हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। तो फ्रेंड्स, आज 8 मई का डेट था और आज बीपीएससी की तरफ से 67वीं बीपीएससी का पीटी का एग्जाम आयोजित किया गया था। लेकिन आप सबको जैसा मीडिया के माध्यम से पता चला कि सारा पेपर लीक हो चुका है, ए टू जेड क्वेश्चन अब का मार्केट में एग्जाम से पहले ही, चाहे टेलीग्राम हो, चाहे व्हाट्सअप हो या फेसबुक हो, हर जगह अवेलेबल हो गया था। तो ये आयोग की कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी लापरवाही है, क्योंकि फ्रेंड्स जो एसी में बैठ के डिसीजन करते हैं उनको क्या पता है कि फ्रेंड्स जो भी स्टूडेंट हैं इसके लिए कितना मेहनत करते हैं। अब आपको मैं बता दूं यहाँ पे कि जब 66वीं बीपीएससी का इन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया था तो इन्होंने पीटी के एग्ज़ाम 27 दिसंबर 2020 को लिया था और उसके बाद से लगभग एक साल पूरा खाली गया 67वीं का, ना तो पीटी हुआ और ना ही 66वीं का अभी क्लियर कर पाए हैं। अभी तक वो तो मेंस का ही वो रिजल्ट दे पाए हैं, वो इंटरव्यू भी अभी फाइनल नहीं करवा पाए हैं। तो आखिर मतलब कि ये करना क्या चाहते हैं आयोग को, या तो बंद कर देना चाहिए क्योंकि ये फ्यूचर बर्बाद कर रहे हैं लाखों अभ्यर्थियों का, जो कि एक सपना लिए हुए हैं अधिकारी बनने का। और इसके पीछे आप सबको लोगों को लगता है कि एक दिन का जर्नी है, कोई भागलपुर गया है एग्ज़ाम देने, कोई पटना गया है, लेकिन इसके पीछे का जर्नी देखें तो क्या पता चलता है, 1.5 साल से कोई कोई तो उससे पहले से भी तैयारी कर रहा है, क्योंकि 1.5 साल तो बीच में खाली ही चला गया, कोई एग्ज़ाम ही नहीं हुआ बीपीएससी की तरफ से। और उसके बाद भी अगर 67वीं का एग्ज़ाम होता है लगभग 6 बार डेट निकालने के बाद, और उसके बाद भी एग्ज़ाम को पेपर लीक करा दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं विद्यार्थियों का मनोबल नीचे गिरता है। और आप सबको पता होगा जैसे कि 66वीं में जब ऐसे ही मामला उठा था पेपर लीक का, तो आयोग ने अपना पल्ला झाड़ लिया और केवल एक सेंटर का एग्ज़ाम रद्द करा के और वहाँ पे दोबारा एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया। अब फिर से उन लोगों का टफ उसी आधार पे आखिर उस पर कैसे मतलब जारी कर दिया, उन लोगों का पेपर का लेवल अलग हो गया और बाकी का अलग। और यही कारण था कि जो कट ऑफ 96-97 जाता है वो कट ऑफ 100 के पार चला गया था। तो जो भी एसी में बैठ के डिसीजन करते हैं उनको सोचना चाहिए। उनको तो करना क्या है कि एक स्टेटमेंट जारी कर देंगे, बोल देंगे कि हाँ जो पेपर लिखा गया है तो वी हैव कंस्टिट्यूटेड अ कमिटी एंड द कमिटी हैड डिसाइडेड दैट वी आर गोइंग टू कैंसिल द एग्जामिनेशन। और बड़ी आसानी बात है ये कह देना, थोड़ा सा इंग्लिश में 2 लाइन बोल देंगे और ये मतलब कि इनको क्या ही बोला जाए जो स्टूडेंट के फ्यूचर के साथ इतना खिलवाड़ कर रहे हैं। उसके बाद क्या बोलेंगे, एंड न्यू डेट विल बी अनाउंस्ड ऑन द वेबसाइट, काइंडली विजिट द वेबसाइट। तो भाई साहब, आप लोग से रिक्वेस्ट है जो भी एसी में बैठ के डिसीजन मेकिंग करते हैं आप हिंदी में ही बोलिए, और आपको इतने इंग्लिश बोलने की ज़रूरत नहीं है, वी हैव टू कमिटेड अ कमिटी, राइट। तो आप लोग अब आप पे भरोसा भी कैसे कर सकते हैं, अब नेक्स्ट जो एग्ज़ाम आप डिसाइड करेंगे, जो भी आपका डेट निकले किस तारीख को एग्ज़ाम लिया जाएगा, तो आखिर कैसे कोई विश्वास करे आप पे कि जो आप दोबारा एग्ज़ाम कराएंगे वो भी आप ईमानदारी पूर्वक एग्ज़ाम कराएंगे या नहीं कराएंगे। तो कहीं ना कहीं आयोग पे ये सवाल खड़ा होता है और आयोग को इसके रिगार्डिंग कुछ बड़ा ही कदम उठाना होगा, तभी कुछ इसमें संभव है। वरना आप क्लियर कर दीजिए कि आपके बस की बात नहीं है, विद्यार्थी बीपीएससी का ये सब तैयारी करना छोड़ देगा, क्योंकि ऐसे रहा तो फिर मेहनत करने वाले पीछे रह जाएंगे और वही आप डीएसपी और एसडीएम नहीं बना करके आप चोर को बनाएंगे। तो यही अपडेट था, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स ऑफिशियल नोटिस भी है, ये जारी कर दिया गया। हालांकि एग्ज़ाम कैंसिल होना ही था, जो कि बोला गया था कि एक कमेटी गठन किया गया है और 24 घंटे में रिपोर्ट देगी, लेकिन ये कहीं ना कहीं खबर उनको भी पता था कि पूरी आग की तरह यह पेपर फैल चुका है, इसलिए उन्होंने तुरंत 24 घंटे का वेट नहीं किया और पेपर को कैंसिल कर दिया। तो अब आप लोग वेट कीजिए, अब न्यू डेट जो अनाउंस होता है हम लोग क्या कर सकते हैं, आवाज़ तो उठाना होगा, सबको आवाज़ उठाना होगा, एक आदमी का आवाज़ उठाने से नहीं होगा। तो नए जो अपडेट आएगा फिर आपको इसी चैनल पर बताएंगे, तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए चैनल पे, मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट अपडेट के साथ, धन्यवाद।